इफेक्टिव कम्युनिकेशन हर मसले का हल होती जी, है जी, सर हमें ज्वाइन किया है अबू बकर ने सरगोधा से जी. सर इनका कहना है कि अभी हम बात कर रहे हैं जनरेशन गैप के बारे में जी. तो सर जनरेशन गैप है हमारा और टेक्नोलॉजी भी है तो टेक्नोलॉजी ने जनरेशन गैप से हम कैसे मतलब टेक्नोलॉजी ने जनरेशन गैप बहुत ज्यादा हमें देती है जी. तो इससे हम कैसे दूर हो सकते हैं कैसे हम इसको फील कर सकते हैं जी बहुत अच्छा सवाल है थैंक्स अबू बकर. असल में टेक्नोलॉजी को हमें चीजों को थोड़ा उनके ट्रू पर्सपेक्टिव में देखें थोड़ा सा. टेक्नोलॉजी एक मॉडर्नाइजेशन है एक एडवांस नॉलेज है जिसका यूज होना है जिसको हमने यूज करना है. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज से 20 साल पहले गाड़ी की और मैकेनिज्म था अभी और होता है आपने ड्राइव करना है. आज आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ आपकी एक चिप में आ गई टेलीफोन में आ गए मोबाइल सेट में आ गए. सो पहली बात तो मैंने सीखा है बचपन में और आपसे भी शेयर कर लेता हूं जिस चीज से आप डरेंगे वो चीज आपके हावी हो जाएगी. तो डर गया वो मर गया. जिसने जिंदगी को आंखों में आंखें डाल के देखा जिंदगी उसको फेवर करती है. जैसे कहते हैं द लक ऑलवेज फेवर्स द कर्जियस वन. अच्छा दुनियावी इलम भी ऐसे ही है कि पैदा होने से लेके फौत होने तक कब्र की दीवारों तक हमें बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे इलम के जो यूजेबल. अभी टेक्नोलॉजी की इलम है लेकिन ये एक लग्जरी नहीं एक नीड बन गई है. आप कैसे मोबाइल सुनेंगे आप कैसे मोबाइल डायल करेंगे आप वीडियो मैसेजेस कैसे करेंगे आप ऑडियो मैसेज कैसे भेजेंगे एप्लीकेशन को कैसे यूज करेंगे. सो एक तो हर उम्र के लोगों को समझना चाहिए कि हमारा ये वे ऑफ लाइफ है इस वे ऑफ लाइफ के मुताबिक चलना है. अच्छा होता क्या है कि हम लोग यूथ से मेरा थोड़ा शिकवा है कि हम लोग भरम नहीं रखते. फर्ज किया बड़े भाई को या अब्बा जी को मोबाइल का यूज नहीं आता और वो हर दफा आपको बुलाते हैं और आपको आता है यू आर एट होम सिर्फ चाइल्डहुड क्लास 3 से. तो आप उसका तरीका ये करें जिनसे मोहब्बतें होती हैं उनके लिए आसानियां ढूंढी जाती हैं सोर्स ऑफ कंफर्ट बना जाता है. आप उनको क्या वो ऐसे करते हैं कि हम ना थोड़ी थोड़ी चीज सीखते हैं इसमें करते हैं. आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपने फोन डायल कैसे कर. आज अबू जी उस दिन कल हम चाय पियेंगे इस वीकेंड पे कमिंग वीकेंड तो अम्मी मैं आपके सारे बर्तन कला के भाइयों को नाश्ता करा के मैं आपके साथ बैठूंगी आधा घंटा मैं आपको बताऊंगी तस्वीर कैसे उतार. सर पर्सनली मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे एक मामू है ही इज वेरी क्लोज टू मी तो काफी एजेड हैं लाइक ही इज इन 80s और उनको बहुत शौक है फोन यूज करने का लाइक व्हाट्सएप. तो मैंने तो सबसे पहले उनको नंबर्स सेव करना सिखाए और उनके साथ से जब हम ऐसे कम्युनिकेट करते हैं ना उनको सिखाते हैं तो इस तरह हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं. वो अपने पर्सनल फॉर एग्जांपल मैं उनका एक नंबर सेव करी थी उनसे उनसे रिलेटेड उनको कोई स्टोरी याद आ गई उन्होंने वो एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया तो मैंने उससे भी कुछ सीखा. तो ये मैं अपने सामने को भी ये दिखाना चाहूंगी आपको. मैडम मैं बताऊं बेटा आपने बहुत प्यारी बात की. आपको सच बताऊं ये जितनी स्ट्रेस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस एनहांसमेंट और सब कुछ है ना इसका एक जुमला कह के मैं आपको चांस देता हूँ. इंसानों की गजा इंसानों के साथ मिलने हैं मल्टीविटामिन है ये फोर्स मल्टीप्लायर है कि आप लोगों को मिलें लोगों को प्यार दें मोहब्बतें दें और मोहब्बतें लें शेयर करें. शेयर एंड केयर से बड़ी कोई मेडिसिन मल्टीविटामिन नहीं.